नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। परीक्षा खत्म होने के 2 महीने के अंदर छात्रों को मिलेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट। 1 दर्जन से अधिक बीपीएससी अधिकारी ईओयू की रडार में। एनआईए की टीम ने इन 2 जिलों में की छापेमारी। वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर धवन ने रचा इतिहास। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं कि अब मंकी पॉक्स संक्रमण लोगों को डरा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है और इससे संबंधित हर जरूरी फैसले लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स संक्रमण से बचाव है तो बिहार के बड़े अस्पतालों में से एक ICIMS में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर मंकी पॉक्स का एक भी मरीज मिलता है तो उसे महामारी का प्रसार माना जाएगा। वहीं दूसरे लोगों तक संक्रमण न फैले इसलिए मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 दिन पहले पटना के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले थे। वहीं दूसरा मामला राजगीर और अब तीसरा मामला वैशाली से आया है। हालांकि अभी इनमें मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए इनका सैंपल पुणे भेजा गया है। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद इस क्षेत्र में मिलेगा 10% का आरक्षण। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई स्कीम अग्निवीर के विरोध में प्रदर्शन किए गए। इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा दंगे बिहार में ही देखने को मिला, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इससे पीछे नहीं हटी। हालांकि प्रदर्शन के बाद इस स्कीम में कुछ सुधार जरूर किए गए हैं। इस बीच अब यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया है। राज्यसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सदन में बताया कि इन अग्निवीरों को आयु सीमा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं न्यूनतम ऊंचाई मापदंड में भी छूट दी जाएगी। परीक्षा खत्म होने के 2 महीने के अंदर छात्रों को मिलेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट। विश्वविद्यालयों द्वारा सेशन में लेट लतीफी का मामला अब अच्छी तरह से उजागर हो गया है और अब यह मामला राज्यपाल तक पहुंच गया है। इसके बाद से विद्यार्थियों में कुछ उम्मीद की किरण जगी है। आपको बता दें कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति कार्यालय ने विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं समय से लेने और उसके परिणाम ससमय घोषित करने का निर्देश कुल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों को दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव एल चोंगथू ने कुल सचिवों से कहा कि लंबित परीक्षाएं यथाशीघ्र कराकर शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की प्राथमिकता दे। साथ ही परीक्षा फल घोषित होने के 2 माह के भीतर मूल प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेजों को उपलब्ध करा दे। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मुहैया कराने को भी कहा है। मालूम हो कि यह मामला मगध यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी की वजह से विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद से उजागर हुआ है। 1 दर्जन से अधिक बीपीएससी अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई की रडार में। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई लगातार जांच में जुटी हुई है। इस बीच ईओयू की रडार में बिहार के कई डीएसपी और एडीएम आए हैं। यही नहीं, जांच के दौरान बीपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की नौकरी संदेह के घेरे में आ गई है। अलग अलग विभागों में तैनात ऐसे 1 दर्जन से अधिक अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर हैं। इन सभी लोगों का कनेक्शन बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ है। जांच के दायरे में आए ये सभी लोग पुलिस और प्रशासनिक महकमे के साथ अन्य विभाग में बड़े पद पर तैनात हैं। साथ ही ईओयू ने शक के दायरे में आए अधिकारियों की मेन्स परीक्षा की कॉपियों को बीपीएससी से भी मांगा है। फिलीपींस से मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों का पटना में हुआ जोरदार स्वागत। बिहारियों की प्रतिभा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिहारियों का बोलबाला हर जगह देखने को मिलता ही है। इसी कड़ी में फिलीपींस में आयोजित अर्नीस गेम 2022 में बिहार के खिलाड़ियों ने बिहार सहित अपने देश के लिए जीत का डंका बजाया है और कुल 6 मेडल जीतकर बिहार लौटे हैं। वहीं पटना जंक्शन पर गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अंशु, आकाश और श्रेयांश ने कहा कि वे आगे भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। देश और राज्य को गौरव दिलाने के लिए वे खेल के क्षेत्र में निरंतर बढ़िया करने के प्रयास में रहेंगे। एनआईए की टीम ने इन 2 जिलों में की छापेमारी। पटना फुलवारी शरीफ टेरर मामले में एनआईए की टीम लगातार छानबीन और पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार यानी आज सुबह जांच एजेंसी की टीम 2 अलग अलग जिलों में छापेमारी के लिए पहुंची, जहां बताया जा रहा है कि टीम को महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की एक टीम आज सुबह 5 बजे मोतिहारी जिले के चकिया PFI के मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ के गाँव कुआवा पहुंची है। वहीं दूसरी कार्रवाई दरभंगा जिले में एनआईए
सात सदस्यों की टीम स्थानीय पुलिस के साथ सिंहवाड़ा पहुंची। बताया जा रहा है कि टेरर मॉड्यूल में आरोपी बनाए गए सलाउद्दीन मुस्तकीन सिंहवाड़ा का ही रहने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मामला पीएम मोदी के बिहार आगमन पर पटना को दहला देने की साजिश का है, जिसमें इस काम को अंजाम देने वाला टेरर नाकाम रहा। इसके बाद एनआईए इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वित्तीय वर्ष की एक तिमाही में रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ी। बिहार में एक ओर जहां उद्योग लगाए जा रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को काम के लिए भटकना ना पड़े, ऐसे बहुत से कार्यों पर बिहार सरकार अनुदान भी दे रही है कि लोग अपना खुद का व्यापार खड़ा कर सके। इसके बावजूद बिहार में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जारी किए गए ताज़ा रिपोर्ट में यह पता चला है कि बिहार में रोजगार मांगने वालों में बढ़ोतरी हुई है। दो महीनों में ही 34,217 लोगों ने रोजगार मांगा है। वहीं अभी तक 14 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन कराया है। इन जिलों में देर शाम तक बारिश की संभावना। बिहार के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आज देर शाम तक अनुमान है कि बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में आज जमकर बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर में 160 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो कि पटना में 2.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार 31 जुलाई तक पटना समेत पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। वहीं आज सुबह से सूरज भी बादल के पीछे सुस्त देखने को मिला। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को बनाया जाएगा और भी बेहतर। पटना के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को और भी बेहतर बनाया जाएगा, इसको लेकर बीते दिन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बैरिया स्थित बस स्टैंड का सुगम संचालन एवं यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावों पर विमर्श किया गया, साथ ही आवश्यक निर्णय भी लिया गया। बस टर्मिनल पर दैनिक कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु एक उप समिति का निर्माण किया जाएगा। उप समिति की बैठक महीने में कम से कम 2 बार होगी। बैठक में कार्यों के संपादन को सुगमता से संपन्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की वेबसाइट को शीघ्र लोकार्पित करने का भी निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से बसों के सुगमतापूर्वक परिचालन हेतु बुडको द्वारा यह काम कराया जा रहा है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता का जुटान आज से हुआ शुरू। बिहार में 2 दिवसीय 30 और 31 जुलाई को होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए देशभर से भाजपा के 7 मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेताओं के पटना आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये नेता 28 और 29 जुलाई को बिहार के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और केंद्र की नरेंद्र मोदी एवं राज्य की नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इसके बाद 30 और 31 जुलाई को भाजपा के 7 मोर्चा किसान, महिला, युवा, SC ST OBC और माइनॉरिटी मोर्चा की एक साथ बैठक होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैठक के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और समापन समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। CBI भोला यादव से इस दिन करेगी पूछताछ। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन पर IRCTC घोटाले का आरोप है। CBI ने भोला यादव को बीते दिन ही अरेस्ट किया है। उनके 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। वहीं उनके दरभंगा वाले आवास से एक डायरी भी मिली है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इसमें कई राज छुपे हो सकते हैं। इसके बाद भोला यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां CBI ने भोला यादव को 7 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। वहीं अगले महीने की 2 तारीख को भोला यादव से CBI पूछताछ करेगी। जीतन राम मांझी की बहू ने लालू यादव की बेटी को लिया लपेटे में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि उनकी बहू दीपा मांझी भी अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। इस बीच एक बार फिर उन्होंने लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य पर अपने शब्दों के बाण चलाते हुए देखा गया है। मालूम हो कि बीते दिन रोहिणी आचार्य की बहन हेमा यादव को अपनी भावनात्मक बहन बताते हुए जमीन गिफ्ट करने वाले हृदयानंद चौधरी गिरफ्तार किए गए, जिन पर रेलवे में भर्ती को लेकर स्कैम का मामला भी दर्ज है। इससे पहले लालू यादव के करीबी भोला यादव को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। साथ ही इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिशा भारती का भी नाम शामिल है। इसी को लेकर रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं, जिसके बाद दीपा मांझी ने केंद्र सरकार का पक्ष लेते हुए ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं कि उनके राज में भारत का पैसा मारकर जहां रहोगी ना वहीं से यहां बुला लेवल जाएगा। तू भी लाइन में है, सिंगापुर में भारत लाने में टाइम नहीं लगेगा, बुझी बहिन।
आर के सिन्हा ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद आर के सिन्हा ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संसदीय कार्यालय में मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद मुलाकात के उपरांत बताई। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से वे यह जानना चाहते थे कि देसी गौ वंश के गोबर और गौमूत्र पर आधारित जो प्राकृतिक कृषि मैं कर रहा हूँ उसका अनुभव कैसा रहा है। मैंने उन्हें अपना अनुभव बताया और अपने खेत के कुछ प्राकृतिक उत्पाद और अपनी नई पुस्तक मोदी और शाह मंजिल और राह की एक प्रति भी भेंट की है। आर के सिन्हा ने प्रधानमंत्री से करीब 20 मिनट तक एकांतिक चर्चा की। वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर धवन ने रचा इतिहास। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को बीते दिन खेले गए आखिरी वनडे मैच में हराकर इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है और इसी के साथ भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए शिखर धवन ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि शिखर धवन भारतीय टीम के एकमात्र ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज की जमीन पर वेस्टइंडीज को किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। यह कारनामा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। मैच की बात करें तो टॉस जीतकर कप्तान ने बल्लेबाजी चुना, जहां बारिश की वजह से दोनों टीमें 36 ओवर ही खेल पाई। भारतीय टीम ने मेजबान वेस्टइंडीज को 257 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे डिफेंड करने उतरी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 26 ओवर में 137 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मैच 119 रनों से जीत लिया। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,313 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.45% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 57 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 264 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 65 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुलदीप कुमार, सत्येंद्र शाह, इंद्रदेव कुमार, राकेश कुमार, सिद्धार्थ कुमार, नितेश कुमार, कविता कुमारी, भान प्रकाश मौर्य, मुजुर रंगीला, संजय शाह और नुन्नू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में भारतीय टीम से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन प्रभावित रहा। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।